सो हाय फ्रेंड्स, हेलो, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। स्वागत है आपका स्कोर प्लस में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चों, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द क्वेश्चंस इन पार्ट टेस्ट टू। तो ये जो गेस्ट पेपर्स का आपका पूरा कोर्स है, बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स है, जिसमें 6 पार्ट टेस्ट और 5 फुल लेंथ सैम्पल पेपर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद दीज वीडियो सोल्यूशंस। तो ये पार्ट टेस्ट टू है बच्चों, जिसमें चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, सो बेसिकली कैलकुलस के ही सवाल आने वाले हैं जो टर्म 2 एग्जामिनेशंस में है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट टेस्ट टू बच्चों। सेक्शन A 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का है, 3 क्वेश्चंस है उसमें। तो ये पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ऑफ 2 मार्क्स, जहां पे हमें पूछा गया है इंटीग्रेट करने cos2x - cos2α अपॉन cos x - cos α dx, राइट। तो बच्चों ये 2 मार्क का सवाल है, तो ये दिमाग में रखते हुए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। तो आइडियली हमें cos 2θ का एक ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिससे कि न्यूमरेटर सिंप्लीफाई हो जाए और डिनोमिनेटर के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन बनाए, जिससे कि टोटल एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर इंटीग्रेट करना आसान हो। तो यहाँ पे हम लोग cos 2θ के कई फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, बट जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव फॉर्मूला होगा वो होगा cos 2θ as 2 cos²θ - 1। इसके 2 एडवांटेजेस हैं बच्चों। पहले, अगर आप cos² - sin² का फॉर्मूला यूज करोगे तो अननेसेसरी साइन स्क्वायर के टर्म्स आएंगे, जिनको डील करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, राइट। और क्योंकि डिनोमिनेटर में cos x cos α ये वाले टर्म्स है, तो cos में ही डील करना इज ऑलवेज बेटर। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज कि ये जो -1 है वो -1 + 1 करके कैंसिल होगा। आइए देखते हैं किस तरीके से। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला आई द इंटीग्रेशन बिकम्स cos 2x के जगह अब हम लिखेंगे 2 cos² x - 1 माइनस ऑफ cos 2α के जगह बच्चों सिमिलरली हम लिखेंगे 2 cos² α - 1, राइट, द होल डिवाइडेड बाय cos x - cos α। फिलहाल के लिए डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करेंगे बच्चों, एज इट इज रखेंगे dx, राइट। अब अगर आप न्यूमरेटर में देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि जैसा हम अभी बात कर रहे थे, वो 1 और -1 कैंसिल होने वाला है, राइट। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos² x - 1 -2 cos² α + 1 द होल डिवाइडेड बाय cos x - cos α, राइट। सबसे पहले तो बच्चों, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, वो 1 और -1 हमें तुरंत जो है कैंसिल करना है, और उसके बाद हम न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले सकते हैं, और लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 2 integral of cos² x - cos² α cos² x - cos² α द होल डिवाइडेड बाय cos x - cos α। और इस स्टेज पे बच्चों हमें लगता है कि यस, ये प्रॉब्लम अब बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर में अब हम लोग एक बेसिक आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं a² - b² की, राइट। a² - b² की बेसिक आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, जिससे कि a² - b² बन जाएगा a + b a - b। तो cos² x - cos² α बन जाएगा, बाहर 2 है उसको ऐसे ही लिखेंगे, cos² x - cos² α बन जाएगा cos x + cos α a + b (a - b), सो (cos x - cos α). और डिनोमिनेटर में बच्चों, ऑलरेडी cos x - cos α है, इसका मतलब कैंसिलेशन होने वाला है, चीजें सिंप्लीफाई होने वाली है, जिसका मतलब इंटीग्रेशन करना आसान होने वाला है, राइट। सो यहाँ पे जैसे ये और ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास अब क्या बचा, i = 2 integration of cos x dx (+2 integration of cos α dx). अब ये ध्यान में रखते हुए कि cos अल्फा जो है एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट बाहर आ सकता है, तो फाइनल आंसर आपका होगा i = (integration of cos x) हम जानते हैं कि sin x है, तो 2 sin x पहला टर्म (+2 cos α), क्योंकि cos अल्फा एक कांस्टेंट है, राइट, 2 cos α, cos अल्फा एक कांस्टेंट है, बट इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx जो है वो x आएगा बच्चों, सो 2x cos α प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। यस, सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन, जहां पे हमें इंटीग्रेट करने बोला गया है, राइट, यस, जहां पे बच्चों हमें इंटीग्रेट करने बोला गया है cos 2x - cos 2α upon cos x - cos α dx, दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2 sin x + 2 x cos α + c। तो चलिए बच्चों दूसरे सवाल पे चलते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है रिलेटेड टू ऑर्डर एंड डिग्री। तो जैसे आप जनरली देखते आ रहे हो बच्चों कि जो कम मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जनरली, जहां पे ऑर्डर और डिग्री ये काफी हॉट टॉपिक है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप भली भांति इस कंसेप्ट से क्लियर हैं,
तो आइए फटाफट इस सवाल को सॉल्व करते हैं, जिसके और मतलब दो पार्ट्स हैं, तो आप इधर और कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। पहले ये सवाल देख लेते हैं। राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई द होल स्क्वायर प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई द होल क्यूब प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई द होल रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 5 इक्वल टू 0। अब अगर हम हमारे बेसिक जो आइडियाज हैं उसको लगाएं, तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। सो हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है बच्चों, अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बोला तभी हमने बोला थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव द होल स्क्वायर प्लस सेकंड ऑर्डर प्लस फर्स्ट ऑर्डर प्लस वाई रेज़ टू 5। सो हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड दैट्स व्हाई देयरफॉर ऑर्डर इज इक्वल टू 3, राइट। अब डिग्री की बात करते हैं। डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is the highest power of the highest order derivative, right? highest power of order defining term, ऐसे भी कर सकते हो आप। order defining term यहाँ पे क्या है? order defining derivative क्या है? third order derivative। तो पूरे differential equation में जहां पे भी आपको third order derivatives देखे, यहाँ पे तो एक ही जगह पे है, तो जहां पे भी third order derivatives देखे उनके powers को देखिए, जो भी highest power है वही आपका डिग्री होगा। और क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है उसका पावर जो है 2 है, थर्ड डेरिवेटिव द होल स्क्वायर, सो डिग्री आपका 2 होगा। तो सवाल में हमें पूछा गया व्हाट इज द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, सो देयरफॉर वेरी क्लियरली द सम इज इक्वल टू 3 प्लस 2 एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5, राइट। सो यस बच्चों, ये अगर आपको समझ में आ गया तो और पार्ट में, दूसरे पार्ट में चलते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन log dy / dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, राइट। So, we can first write this differential equation, right, as the given differential equation is nothing but dy by dx. ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमने basic log property और log to the base e exponents की property लगाई है, log of dy by dx to the base e, तो हम e raised to this is equal to dy by dx लिख सकते हैं। So, dy by dx is equal to e raised to 3x plus 4y, जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं एज ई रेस टू 3x इंटू ई रेस टू 4y। एंड एट दिस स्टेज आप ये देख सकते हो कि बच्चों हम वेरिएबल सेपरेशन कर सकते हैं, dy by dx इक्वल टू ई रेस टू 3x इंटू ई रेस टू 4y। सो सेपरेटिंग द वेरिएबल, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सो dy अपॉन ई रेस टू 4y इज इक्वल टू ई रेस टू 3x टाइम्स dx, ठीक है। तो अब आफ्टर दिस स्टेज वी कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। इसके पहले हम लिख सकते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल्स, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, सो बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड, या हम इसको ये स्टेज पे लाएंगे, देन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ई रेस टू माइनस 4y को हमें इंटीग्रेट करना है, ई रेस टू माइनस 4y dy के रिस्पेक्ट में, सो वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस 4y dy, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 3x dx, करेक्ट। सो जब हम इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड हमें पता है ई रेस टू y dy का इंटीग्रेशन ई रेस टू y ही होगा, बट क्योंकि माइनस 4 कोएफिशिएंट है यहाँ पे ई रेस टू माइनस 4y अपॉन माइनस 4 होगा, और राइट हैंड साइड पे e रेस टू 3x अपॉन 3 होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें भूलना नहीं है, राइट। तो ये आपका सोल्यूशन है बच्चों, इसको चाहिए तो थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट दिस इज वेरी मच एक्सेप्टेबल एज द फाइनल आंसर, एज द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यस, तो आई होप क्लियर हो गया है। लॉग डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन यहाँ पे है बच्चों, सबसे नीचे आपके स्क्रीन के सामने, राइट। e raise to minus 4y upon minus 4, तो आप इसको minus 4 upon e raise to 4y लिख सकते हो, राइट। इसका फाइनल सिंप्लीफाइड वर्जन आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो एज ये minus 1 upon 4 e raise to 4y, दूसरे तरफ जाके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e raise to 3x upon 3, ये वाला टर्म as it is on the right, ठीक है। ये वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड में जाके बनेगा plus 1 upon 4 e raise to 4y plus c equal to 0, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट जैसा मैंने कहा
ये स्टेप पे अगर आप आंसर छोड़ोगे तो आपको फिर भी पूरे नंबर मिलेंगे, राइट। सो ये रहा दूसरा सवाल बच्चों, अब चलते हैं तीसरे सवाल पे। सेक्शन ए के 2 मार्क का सवाल, इंटरेस्टिंग है ये काफी। मॉड्यूलस फंक्शन इन्वॉल्व है और आपको जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है बिटवीन -2 एंड 1, राइट। सो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं विद द आइडिया कि आप जब भी आप मॉड्यूलस देखोगे आप किस तरीके से इन टाइप के क्वेश्चंस को जो है अप्रोच करोगे, टारगेट करोगे, राइट। तो सबसे पहले हमें ये देखना है और लिखना है, सिंस वी नो दैट मॉड्यूलस ऑफ एक्स, या सिंस वी नो दैट मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स and modulus of x is equal to minus x. तो ये दो definitions हैं modulus of x के, depending हम कि x का जो condition है वो क्या है। जब x positive या zero होता है तब mod x को कोई भी change नहीं कर सकता, mod x की value x ही होती है, जो आपका input होता है वही आपका output होता है। But जब x negative होता है, जब x negative होता है तब modulus of x की value minus x बन जाती है, right? So having known this, ये पता होने के बाद हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, यस। सो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, या यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, यस, आप ये प्रॉपर्टीज डेफिनेटली लिख भी सकते हो, इट विल डेफिनेटली एड ऑन, बहुत एड ऑन करेगा, राइट। तो ये प्रॉपर्टी मैं यहां पे लिखने वाला हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx फ्रॉम ए टू बी, yeah, from a to b, yes, is equal to integration of f of x dx from a to c. So basically आपने इस प्रॉपर्टी को स्प्लिट प्रॉपर्टी की तरह पढ़ा होगा, राइट, कि अगर आप a से b तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप बीच में स्प्लिट कर सकते हो, a से b के जगह a से c और c से b, ठीक है। अल्टीमेटली आप a से b ही जा रहे हो बट उसको काट रहे हो बीच में a से c और c से b, और वही हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। सो देयरफॉर आई इज गोइंग टू बी आई विच इज दिस ओरिजिनल इंटीग्रेशन। हर क्वेश्चन में आप शुरू ही ऐसे कीजिए, लेट दिस, जो भी हमें पूछा गया इंटीग्रेट करना है, लेट दैट इक्वल टू आई, राइट। उसके बाद ये चीज लिखिएगा, सो देयरफॉर आई नाउ बिकम्स इंटीग्रल ऑफ, अगर हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स को अलग अलग तरीके से डील करना है मॉड्यूलस को अप्लाई करने के लिए, राइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ मॉड एक्स अपॉन एक्स डीएक्स, राइट, प्लस इंटीग्रल ऑफ मॉड एक्स अपॉन एक्स डीएक्स, बट यस हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है, तो ये -2 से 1 के जगह पे अब हम -2 से 0 इंटीग्रेट करेंगे और 0 से 1 इंटीग्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव एक्स वैल्यूज को अलग से कंसिडर करेंगे और पॉजिटिव एक्स वैल्यूज को अलग से। इस वजह से आई बन जाएगा पहला वाला इंटीग्रल -2 से 0, नेगेटिव एक्स के वैल्यूज है, बच्चा ध्यान से देखना, नेगेटिव एक्स के वैल्यूज है, तो मॉड एक्स जो है माइनस एक्स बन जाएगा। तो न्यूमरेटर में आपके माइनस एक्स है, डिनोमिनेटर में आपके एक्स है, राइट। और ये जो दूसरा इंटीग्रल है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज है 0 से 1, तो मॉड एक्स आपका एक्स बन जाएगा, एक्स अपॉन एक्स डीएक्स, और यहाँ से सरल हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करना, राइट। तो फटाफट देखिए, माइनस एक्स अपॉन एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल, -1 को इंटीग्रेट करना है यहाँ पे, एक्स अपॉन एक्स 1, इसको 1 को इंटीग्रेट करना है। तो देयरफॉर आई इज नाउ गोइंग टू बी इक्वल टू -2 से 0 इंटीग्रेशन ऑफ -1 डीएक्स, यस -1 डीएक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं -2 से 0, और 0 से 1 इंटीग्रेट कर रहे हैं 1 डीएक्स को। तो आइए चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -2 से 0 जब आप इंटीग्रेट करोगे बच्चों, -1 को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, -x इसका इंटीग्रेशन आएगा, लिमिट्स सही से लगाइएगा। यहाँ पे x आएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, सो यहाँ पे अपर लिमिट इज -0, माइनस ऑफ लोअर लिमिट इज -2, यस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट हो जाएगा, ध्यान से देखना, प्लस ये वाला तो इजी है। अपर लिमिट इज -0, लोअर लिमिट लगाने से पहले हम माइनस लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वो वाला माइनस है, माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट क्या है, -x, x के जगह पे -2, सो लोअर लिमिट इज -2, तो ये +2, ये -2, आपका आंसर आ जाएगा -2 + 1, एंड हेंस द फाइनल आंसर टू द इंटीग्रेशन इज -1। So the correct answer, बच्चों, for this -2 से 1 mod x upon x dx is -1. So I hope ये cover clear हो चुका होगा आपको। ये section A था बच्चों, जिसमें 2 mark के सवाल थे। अब हम बढ़ते हैं section B की तरफ, जहाँ पे हम deal करेंगे 3 mark के सवाल।
तो आइए बच्चों सेक्शन बी शुरू करते हैं। इसमें 3 मार्क के सवाल हैं, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द पेपर, जहां पे हमें पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 3x अपॉन 3x² + 4x + 2। तो बेसिकली ये जो सवाल है, यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है। सो जहां पे भी आप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक इस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन देखते हो, वहां पे हमें लीनियर टर्म को जो है लिखना होता है, लीनियर टर्म को लिखना होता है एज ए टाइम्स अ कांस्टेंट टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक जो डिनोमिनेटर में है उसके डेरिवेटिव के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है प्लस अनदर कांस्टेंट। ये फॉर्मेट है बच्चों, ये तरीका है जब भी आप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक इस टाइप के क्वेश्चन देखते हो। तो आइए चलिए इस पर्टिकुलर सवाल में ये चीज अप्लाई करते हैं। सो देयरफॉर हम इस चीज को एज यूजुअल लेट दिस इक्वल टू आई लिख सकते हैं, राइट। तो देयरफॉर 1 - 3x जो लीनियर टर्म है बच्चों उसको लिखना है एज ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक, तो डी बाय डी एक्स ऑफ 3x² + 4x + 2, राइट, प्लस बी, राइट। अब इस चीज को सिंप्लीफाई करके बच्चों हमारा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है कि ए और बी के वैल्यूज निकालना और फिर 1 - 3x को ओरिजिनल इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूट करना। तो 1 - 3x जो है यहाँ पे आएगा ए टाइम्स, ध्यान से देखिए इसका डेरिवेटिव क्या है, 3x² का डेरिवेटिव 6x आएगा बेटा, +4 + b। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म्स और एक्स के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, इक्वेट करते हैं फ्रॉम बोथ साइड्स, राइट। सो बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, या ये करके हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास सिर्फ 1 है और राइट हैंड साइड में a इंटू 4, तो 4a + b, ये दो कांस्टेंट टर्म्स है, राइट। और लेफ्ट हैंड साइड पे -3, ये x का कोएफिशिएंट है, और राइट हैंड साइड पे 6a x का कोएफिशिएंट है। तो ये दो इक्वेशंस हमारे निकल के आए हैं बच्चा, ये दो इक्वेशंस निकल के आए हैं, पहले दूसरे इक्वेशन से रादर a की वैल्यू -3/6 -1/2 आ जाती है, राइट। तो a की वैल्यू हमें -1/2 आ चुकी है, वो वैल्यू हम यहाँ पे प्लग इन करेंगे, देयरफॉर 1 = 4 - -1/2 - 2 + b, जिससे हमें b की वैल्यू मिल जाती है एज +3, राइट। सो हमारे पास बच्चों अब a और b के वैल्यूज आ चुके हैं, a और b के वैल्यूज आ चुके हैं, तो हम न्यूमरेटर में जो 1 - 3x है, न्यूमरेटर में जो लीनियर टर्म है उसको अब इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो चलिए करते हैं वो चीज, राइट। सो देयरफॉर I is equal to, जो हमने I से शुरुआत की थी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 3x जो है, अब उस 1 - 3x के जगह पे, उस लीनियर टर्म के जगह पे अब हम लिखेंगे a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक, दैट मींस a इज -1/2, तो हम यहाँ पे -1/2 को बाहर ले लेते हैं, राइट, -1/2 को बाहर ले लेते हैं, -1/2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक 6x + 4, तो उसको जो है मैं 6x + 4 की तरह लिख रहा हूँ न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 6x + 4 डिवाइडेड बाय, अब जो क्वाड्रेटिक ओरिजिनल है वही आएगा 6x + 4 डिवाइडेड बाय 3x² + 4x + 2, राइट, प्लस इनटू डीएक्स प्लस 3। अब जो दूसरा कोएफिशिएंट है बच्चों बी, उसकी वैल्यू है 3, तो उसको हम एज 3 यहां पे बाहर लिखेंगे, कांस्टेंट है तो उसको मैंने बाहर पुकार लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन तो डीएक्स अपॉन द क्वाड्रेटिक, करेक्ट, तो डीएक्स अपॉन 3x² + 4x + 2, करेक्ट। अब ये दोनों चीजें इंडिविजुअली बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती हैं, ये जो पहला इंटीग्रेशन है यहाँ पे आपको पुट करना है एज 3x² + 4x + 2 इक्वल टू t, और जब आप वो पुट करेंगे तब आपको डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 6x + 4 जो है वो आपको मिल जाता है dt/dx, एंड देयरफॉर वी कैन नाउ से कि i is equal to -1/2 है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 4 dx जो है उसको अब हम dt लिख सकते हैं, तो dt अपॉन t, क्योंकि ये जो है क्वाड्रेटिक को हमने t सब्स्टिट्यूट कर लिया था, तो ये इंटीग्रेट करना काफी आसान हो गया। अब ये जो दूसरा इंटीग्रेशन है इसको थोड़ा फटाफट देख लेते हैं, यहाँ पे 3 बाहर है
राइट, इसको व्हाइट में लिखते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक है इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना काफी जरूरी हो जाता है अभी, तो उसके लिए पहले हम थ्री कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यार ये एक्स स्क्वायर के साथ जो थ्री है वो बाधा दे रहा है, राइट। तो उसको हम हटाने की कोशिश करते हैं पहले। तो उसके बाद जो चीजें बचती हैं डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x। अब उस 4/3x को अगर मुझे 2ab के फॉर्म में लिखना है तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, ये 3x स्क्वायर में से 3 कॉमन ले लिया तो सिर्फ x स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो 4/3x, जिसको हमने लिखा 2 इंटू एक्स इंटू 2/3, राइट। अब ये जो बचा हुआ 2 है उसमें से भी अगर 3 कॉमन ले लिया है तो 2/3 बचेगा, बट हमें 2/3 द होल स्क्वायर चाहिए, तो वो 2/3 बचेगा, बट इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए हमें प्लस 2/3 ऐड करना पड़ेगा, प्लस 2/3 स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, मतलब प्लस 4/9 ऐड करना पड़ेगा। उस चीज के लिए माइनस 4/9 भी करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है बच्चों, राइट। अब इंटीग्रेट करते हैं, देयरफोर आई इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग टी, राइट, जिसको हमें रिसब्स्टिट्यूट करना है। तो भाई पहला वाला जो एक्सप्रेशन है वो तो इंटीग्रेट हो चुका। अब ये जो है 3/3 तो 1 है, तो यहाँ पे कुछ बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे dx अपॉन, तो ये थोड़ा संभाल के कीजिए क्योंकि फ्रैक्शनल टर्म्स आ चुके हैं। तो ये जो पहले तीन टर्म्स हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, पहले तीन नहीं, पहले दो और ये तीसरा, ठीक है, पहले दो और ये तीसरा टर्म, तो उसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। दिस इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में प्लस 2ab, राइट। तो x a है और b 2/3 है, तो b स्क्वायर 2/3 द होल स्क्वायर 4/9 होगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज a प्लस b द होल स्क्वायर, सो x प्लस 2/3 द होल स्क्वायर, राइट। और अब बचेगा 2/3 माइनस 4/9। तो अगर हम इस फ्रैक्शन को सिंपलीफाई करें, डिनोमिनेटर 9 रखना है, सो 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 6/9 माइनस 4/9, 2/9 बचेगा, राइट, 2/9 बचेगा। तो अब इस चीज को हम बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं 1/x² प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है। सो देयरफॉर आवर फाइनल आंसर i इज गोइंग टू बी, इसको रीसब्स्टिट्यूट करना है, माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x², जनरली मॉड लेते हैं तो मॉड लिख देते हैं, 3x² प्लस 4x + 2, ये पहले पार्ट का इंटीग्रेशन है, राइट, प्लस अब बच्चों 1/x² प्लस ए स्क्वायर, ये जो चीज है उसका इंटीग्रेशन आएगा 1/a। तो अब यहाँ पे a को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये a स्क्वायर है बच्चों, 2/9 जो है वो a स्क्वायर है, तो a की वैल्यू √2/3 आएगी। तो यहाँ पे 1/√2/3 को जो है आप 1/√2/3 को जो है आप 3/√2 लिख सकते हो, तो हम लोग डायरेक्टली 3/√2 लिख देंगे, ठीक है। tan inverse of x by a, तो यहाँ पे x plus 2/3 upon a which is √2/3, ठीक है। तो इसको further और simplify किया जा सकता है, जो आप definitely कर सकते हो, 3x plus 2 upon 3 upon √2/3, 3 cancel हो जाएगा very easily, और plus c लिखना ना भूले। तो ये बच्चों आपका final answer होगा। अच्छा question, I hope सबको समझ गया कि जब linear upon quadratic या फिर linear upon root quadratic इस टाइप के फॉर्मेट में इंटीग्रेशन के सवाल आते हैं, हमेशा लीनियर जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन है उसको लिखिएगा अ कांस्टेंट टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक प्लस अनदर कांस्टेंट, ठीक है, और हर क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन पे बच्चों, दूसरा सवाल सेक्शन बी का, 3 मार्क के सवाल है। यहाँ पे हमें प्रूव करना है, शो दैट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों हमेशा यहां से शुरू करके यहाँ पे जाना है, वी हैव टू टेक द पेरेंट इक्वेशन जो हमें सोल्यूशन के तौर पर दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट करके आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को हटाते हटाते अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे पहुंचे तो हम ये बहुत आसानी के साथ कह सकते हैं कि ये जो ओरिजिनल पेरेंट इक्वेशन है ये सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जहां आप पहुंचे हो, ठीक है। सो विल स्टार्ट बाय सेइंग टू प्रूव that y is equal to ax plus b upon x is the solution of the given differential equation. First we simplify this, हम x से multiply करेंगे बच्चों दोनों तरफ, क्यों, क्योंकि x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाले टर्म में डिनोमिनेटर में x नहीं बचेगा,
ठीक है, और वो बी जो है बहुत प्यारी तरीके से आइसोलेट हो जाएगा। अब उसके साथ कुछ नहीं है, ये बी आइसोलेट हो चुका है। इसका मतलब इस स्टेज पे अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा दोनों साइड्स को, तो वो बी जो है हवा की तरह उड़ जाएगा, और इससे हमारा बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि द होल आइडिया ऑफ डिफरेंशिएटिंग इज रिमूविंग आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, डिफरेंशिएट करके आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स निकालना ताकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचे, राइट। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देयरफॉर वी गेट, या अब ध्यान से लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों, एक्स इंटू वाई है, और याद रखिएगा हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई इज एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विच इज सिंपली वन, राइट हैंड साइड पे ए इंटू एक्स का डेरिवेटिव इज टू एक्स, राइट, और प्लस जीरो, क्योंकि बी का डेरिवेटिव जीरो है, क्योंकि बी का डेरिवेटिव जीरो है, तो बहुत ही मस्त सा इक्वेशन आ चुका है बच्चों। अभी इसको थोड़ा सा और सिंपली लिख लेते हैं, एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू ए एक्स इज इक्वल टू टू ए एक्स, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन चुका है बच्चों, तो ध्यान से थोड़ा सा है? यस, ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन चुका है, तो इसको एक नंबर दे देते हैं और बोलते हैं कि यार ये इक्वेशन वन है, क्योंकि इसी को हमें और फर्दर डिफरेंशिएट करना है, राइट, इसी को फर्दर और डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए अब इस इक्वेशन को थोड़ा और एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन देख के ये तो पता चल गया होगा, और इनफैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देख के भी बहुत आसानी से पता चल जाता है कि दो बार तो डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव के टर्म्स हैं, और एक बार डिफरेंशिएट करके तो भैया सेकेंड डेरिवेटिव के टर्म्स नहीं आने वाले, तो और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, राइट। तो जब बच्चों हम ये चीज करेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है, एक्स डीवाई बाई डी एक्स, यहाँ पे वापस से प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों, ये वाला टर्म ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, बाकी चीजें डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत ईजी होने वाली है। एक्स डीवाई बाई डी एक्स, तो एक्स टाइम्स x टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आपको यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा, राइट। x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इज सेकंड डेरिवेटिव, तो x इंटू सेकंड डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल अभी खत्म नहीं हुआ है, प्लस सेकंड डेरिवेटिव इंटू प्लस दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं हम, तो dy बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विच इज सिंपली वन, ठीक है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ y विच इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड पे 2ax का डेरिवेटिव सिंपली 2a आएगा। थोड़ा ध्यान से एक बार देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज स्टेज है बच्चों। x dy by dx को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन, सो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव इज x इंटू सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब उल्टा प्रोडक्ट रूल में, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सो dy by dx into derivative of x, so dy by dx into derivative of x, so is dy by dx into 1, that is only dy by dx. अब आगे बढ़ते हैं, y को differentiate करेंगे तो dy by dx आएगा, और 2ax को differentiate करेंगे तो simply 2a आएगा, और ये ही आपका दूसरा equation है बच्चों। तो इसको थोड़ा सा और simplify कर लेते हैं, ताकि हम अब ये equation और पहला equation को use कर सके साथ में, तो x d square y by dx square plus 2dy by dx is equal to 2a, very very important equation बच्चों, बहुत ही important equation, right? क्योंकि अभी second derivative के terms दिख रहे हैं, second derivative के terms दिख रहे हैं अभी, right? तो इसको हम अभी के लिए बोलते हैं equation 2, right? अब equation 1 को ध्यान से देखिए और equation 2 को ध्यान से देखिए, clearly दिख रहा है कि इन दोनों equations को use करके हम a को eliminate कर सकते हैं, जो हमारा basic objective है, arbitrary constants को हटाना और डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचना। अब आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स मतलब ए और बी, इन दोनों यू नो पैरामीटर्स को हटाकर डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचना है, एलिमिनेट कर डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचना है। तो पहले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे हम ये 2a की वैल्यू, 2a की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स, और ये वैल्यू हम यहाँ पे प्लग इन करेंगे, राइट। तो सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2, या substituting equation 2 in equation 1, we get, right? तो एक बार देखते हैं क्या मिलेगा हमें, x dy by dx plus y, left hand side वैसा ही रहेगा, x dy by dx plus y equal to
राइट हैंड साइड में है 2a टाइम्स x इक्वल टू 2a टाइम्स x, अब x सॉरी 2a टाइम्स x, तो x टाइम्स 2a और 2a के जगह पे अब हम ये पूरी चीज लिख सकते हैं एंड हेंस 2a को एलिमिनेट कर सकते हैं या a को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो x d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 2dy बाय dx। अब इस चीज को हम डेफिनेटली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट, डेफिनेटली सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि हमें यहां तक पहुंचना है। तो x dy बाय dx, x dy बाय dx प्लस y इक्वल टू x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, एक्सपांड कर रहा हूं राइट हैंड साइड बच्चों में, प्लस 2x dy बाय dx, राइट। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सिंप्लीफाई होगा, क्लियरली सिंप्लीफाई होगा एंड हेंस फाइनली हम इस चीज पे पहुंच सकते हैं। ये जो राइट में इसको लेफ्ट में लिखते हैं x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, राइट, प्लस x dy by dx। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इसी फ्लो में है। यस, पहले दोनों टर्म्स उसी तरीके से हैं, y दूसरे तरफ जाके माइनस y इक्वल टू जीरो एंड वी कैन आफ्टर दिस राइट हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे आप लिख सकते हो हियर वी गेट द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हेंस वी कैन से कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हेंस प्रूव्ड, राइट। सो अच्छा सवाल, आई होप सबको समझ में आया है कि इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है। पेरेंट इक्वेशन से शुरू करें और डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ बढ़े। तो आइए सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल, थर्ड क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, राइट। यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस बी। काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है, देख के समझ में आता है कि यार करना क्या है, रूट्स सारे इन्वॉल्व हैं और तभी आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि बच्चा जब भी रूट्स इन्वॉल्व हैं तो रैशनलाइजेशन एक ऐसा ट्रिक है, एक ऐसा टूल है जो हमेशा आपको सोचना चाहिए, भले ही वो प्रॉब्लम में यूज हो नहीं हो, कभी यूज हो सकता है कभी नहीं, मैक्सिमम टाइम्स यूज हो जाता है और आप प्रॉब्लम फोड़ सकते हो यूजिंग रैशनलाइजेशन। सो ये प्रॉब्लम को हम शुरू करेंगे रैशनलाइजेशन से। सो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, पहली बात तो हम एज यूजुअल गिवन इक्वेशन को आई बोलेंगे, गिवन इंटीग्रेशन को, सो लेट दिस इक्वल टू आई। सो रैशनलाइज करके हमें क्या मिलने वाला है, सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू, एक बार देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस बी, करेक्ट, राइट। अब रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को तो रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी आना चाहिए, करेक्ट। तो वही चीज हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, करेक्ट। और dx को ना भूले, x प्लस बी है, x माइनस बी नहीं, dx को ना भूले, वो एज इट इज रहेगा, राइट। अब इससे i जो है आपका इंटीग्रेशन जो है वो क्या बनेगा, न्यूमरेटर में देखते हैं, न्यूमरेटर में आपका ये वाला टर्म एज इट इज है रूट ऑफ एक्स प्लस ए, राइट, माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी। अब डिनोमिनेटर में जो है, डिनोमिनेटर में जो है काफी इंटरेस्टिंग चीज हो चुका है रैशनलाइज करने के वजह से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या फिर p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। आप इस फॉर्मेट में बेसिक आइडेंटिटी को लगाएंगे तो आपको मिलेगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सो यहाँ पे आपको मिलेगा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। ध्यान से देखिए बच्चों ऐसा क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए का स्क्वायर जो है एक्स प्लस ए देगा और रूट ऑफ एक्स प्लस बी का स्क्वायर आपको एक्स प्लस बी देगा और इस वजह से काफी सिंप्लीफाई होगा चीज, काफी सिंप्लीफाई हो जाएगा चीज। Now we have to integrate root of x plus a minus root of x plus b और denominator में बच्चों हमारे पास है x plus a minus x minus b। इसका मतलब basically हमारे पास ये x और x cancel हो जा रहा है और denominator में हमारे पास सिर्फ a minus b है जो constant है और जिसको हम बहुत प्यार से आसानी से बाहर लेके जा सकते हैं integration sign से। So therefore i is equal to 1 upon a minus b integration of, therefore i is equal to, yeah, therefore i is equal to वन अपॉन ए माइनस बी, कॉन्स्टेंट है तो हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी। डिनोमिनेटर में आप कुछ भी नहीं बचा बच्चों, काफी इजी हो गया ये सवाल अभी, राइट, रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स। सो लेट्स गिव फिनिशिंग टच टू दिस प्रॉब्लम, राइट, वन अपॉन ए माइनस बी तो बाहर कॉन्स्टेंट है, राइट right? अब रूट ऑफ एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, रूट एक्स माने एक्स रेस टू हाफ, एक्स रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन इज एक्स रेस टू थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, मतलब टू बाई थ्री एक्स रेस टू थ्री बाई टू। तो यहाँ पे भी इसका इंटीग्रेशन आएगा टू बाई थ्री एक्स प्लस ए रेस टू थ्री बाई टू माइनस टू बाई थ्री एक्स प्लस बी रेस टू थ्री बाई टू, ठीक है।
ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट प्लस सी, और ये आपका आंसर आएगा। आप इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं, बट नेवरदलेस आपको सिमिलर ही आंसर दिखाई देगा, राइट? सो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जैसा हमने कहा, रिटरेट करते हैं, रैशनलाइजिंग इज अ बिगेस्ट टूल वेन एवर यू सी रूट्स, राइट? इसका ये मतलब नहीं कि 100% ऑफ द टाइम्स लगेगा, बट काफी टाइम लगता है, राइट? तो चलिए बच्चों अगले सवाल पे। बट उससे पहले छठवें सवाल में एक और पार्ट था, तो उसको भी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? इंटीग्रेशन का ही सवाल है, बट ये वाला सवाल जो है इज वेरी हैवी ऑन सब्स्टिट्यूशन। और ये इंटीग्रेशन देखते से ही हमें पता चलना चाहिए कि यार साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव रूट ऑफ वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्यों ना इस फैक्ट को यूज किया जाए टू आर ओन एडवांटेज। सो लेट दिस बी इक्वल टू आई, राइट? सब्स्टिट्यूटिंग साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू टी। जब हम साइन इनवर्स एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो इसका मतलब डी एक्स अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर बिकम्स डी टी, विच इज गुड न्यूज, राइट? विच इज रियली गुड न्यूज। तो Therefore, I is equal to integration of, अब x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x के जगह पे हम लिख सकते हैं sin t, right? In place of x, we can write sin t, right? जो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, so also x is equal to sin t, right? अब यहाँ पे sin inverse x जो है उसको हम t लिखेंगे, right? उसको हम t लिखेंगे, और dx upon root of 1 minus x square जो है, dx upon root of 1 minus x square जो है, उसको हम लिखेंगे dt, right? उसको हम लिखेंगे dt, right? अब इस चीज को हमें इंटीग्रेट करना है, which should not be that difficult as compared to this, इसको इंटीग्रेट करना relatively simple है, देखते से पता चल जाता है कि by parts यूज करना है, right? So यहाँ पे हम लिखेंगे to integrate, we use by parts, और बाय पार्ट्स में बच्चों पहला फंक्शन कौन सा है आइलेट रूल के हिसाब से, ये अल्जेब्रिक फंक्शन है तो ये पहला फंक्शन, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये दूसरा फंक्शन। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू, राइट? बाय पार्ट्स कैसे होता है बच्चों, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस पापा इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, सो डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, ठीक है? ये पूरे चीज का डी टी, ये पूरे चीज का dt, ठीक है? तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं, बच्चों। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin t इज माइनस cos t, तो माइनस t cos t ये आपका पहला टर्म आने वाला है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ t इज 1 इनटू, सो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ sin t माइनस cos t आएगा बच्चों, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पे हम सिर्फ cos t लिखेंगे और कुछ भी नहीं, काफी सिंपल हो चुका है अभी। और cos t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं बच्चों sin t होता है, एंड देयरफॉर फाइनली द वैल्यू ऑफ i द इंटीग्रेशन इज माइनस t cos t, राइट? प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos t व्हिच इज नथिंग बट sin t, और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना ना भूले। बट आंसर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि t इज नॉट द पेरेंट वेरिएबल, t के जगह पे हमें रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा sin इनवर्स x, राइट? सो रीसब्स्टिट्यूटिंग t इज इक्वल टू sin इनवर्स x, ठीक है? व्हिच आल्सो बेसिकली मींस कि sin t के जगह हमें लिखना पड़ेगा x, और cos t के जगह हमें लिखना पड़ेगा root of 1 minus sin square x, sin square t, which is nothing but root of 1 minus x square. Therefore, I is equal to minus t के जगह हम लिखेंगे minus sin inverse of x into cos t root of 1 minus x square plus sin t, मतलब plus x plus c. तो ये बच्चों आपका final answer आएगा इस integration के लिए. So I hope everyone is clear with this. अगर कोई यस, यहाँ पे बेसिक आइडिया जो है बायपार्ट्स का था बहुत इंपॉर्टेंटली, बट उससे भी इम्पॉर्टेंट ये चीज था, ये ऑब्जर्व करना कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है 1/(1 − x²) है, और वो छुपा है एक्सप्रेशन में, उसका फुल एडवांटेज लेना चाहिए जिससे कि चीजें सिंप्लीफाई हो सकती हैं, फिर उसके बाद बायपार्ट्स का दरवाजा खुल जाएगा। तो चलिए बच्चों सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट टेस्ट 2, जो फोर्थ क्वेश्चन है सेक्शन बी का, 3 मार्क का सवाल है, इसको डील करने की कोशिश करते हैं। दिखने में थोड़ा सा ट्रिकी दिखेगा, बट अगर एक वीक पॉइंट आपको इस प्रॉब्लम का दिख गया तो उसके बाद ये क्वेश्चन एक रिलेटिवली स्टैंडर्ड इजी क्वेश्चन हो जाता है।
राइट। तो ये जो dx by dy है, यही फर्स्टली एक ऑड चीज है, तो क्यों ना हम इसको नॉर्मल dy by dx में कन्वर्ट करके देखें। कभी कभी dx by dy के भी क्वेश्चन आते हैं ऑफकोर्स, बट यहाँ पे राइट हैंड साइड में वन देख के काफी फील हो रहा है कि इसको dy को इधर और dx को इधर ले लो। देयरफॉर वी कैन से द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड टू, कैन बी सिंप्लीफाइड टू राइट। देयरफॉर dy by dx इक्वल टू, ध्यान से देखिए, dy by dx इक्वल टू e रेस टू माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स, जिसको दूसरे तरफ ले जाके प्लस वाई अपॉन रूट एक्स लिखा जा सकता है ना, ध्यान से देखिए। और उसको y अपॉन रूट एक्स को मैं लिख रहा हूँ y इंटू वन अपॉन रूट एक्स, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो रहा है एक स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ध्यान से देखिए बच्चों, ये टर्म्स दूसरे तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके dy by dx हो गए, तो dy by dx इक्वल टू ऑल ऑफ दिस, बट इसमें ये जो माइनस वाई अपॉन रूट एक्स वाला टर्म अगर मैं dy by dx के साथ लूँ तो मैं उसके बाद क्लियरली देख सकता हूँ कि ये कंपेयर किया जा सकता है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। सो कंपेयरिंग विथ LDE द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन राइट, p ऑफ x dy by dx plus y times p of x equal to q of x. So p of x is 1 upon root x and q of x is equal to e raised to minus 2 root x upon root x. ठीक है, तो सबसे पहले LDE में क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e raised to इंटीग्रेशन ऑफ px dx. So इस चीज को इंटीग्रेट करना है बच्चों, तो 1 upon root x is nothing but x raised to minus half, जिसका इंटीग्रेशन x raised to half upon half आएगा, तो इसका आंसर आएगा e raised to x raised to half upon half, so e raised to 2 root x. तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी जल्दी आ गया, सिंपल था उसका इंटीग्रेशन, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें हेल्प करने वाला है सोल्यूशन निकालने के लिए, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें हेल्प करने वाला है सोल्यूशन निकालने के लिए। तो आइए, द सोल्यूशन देयरफॉर इज, द सोल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन इज यस बच्चों, जो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है dy by dx plus y times p of x equal to q of x, इसका सोल्यूशन है y times इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो यहाँ पे आएगा y times इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e raised to 2 root x राइट, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e raised to 2 root x into q of x. अब q of x e raised to minus 2 root x upon root x है, e raised to minus 2 root x upon root x है, जिससे कि हमें दिख रहा है कि ये क्वेश्चन काफी अच्छी तरीके से सेटअप है सिंप्लीफाई होके सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यार e raised to 2 root x और e raised to minus 2 root x क्लब करके e raised to 0 which is 1 देंगे, so therefore this is now becoming a bit more easier. Left hand side पे y into e raised to 2 root x है, राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स है राइट, क्योंकि ये दोनों मिलके ई रेस टू जीरो देंगे, ई रेस टू टू रूट एक्स माइनस टू रूट एक्स इज ई रेस टू जीरो विच इज वन। नाउ वी कैन देयरफॉर से, नाउ वी कैन देयरफॉर से कि देयरफॉर ई रेस वाई ई रेस टू टू रूट एक्स इक्वल टू, अब वन अपॉन रूट एक्स इज वन अपॉन एक्स रेस टू हाफ, एक्स रेस टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन इज एक्स रेस टू हाफ अपॉन हाफ, तो टू रूट एक्स आएगा, प्लस सी लिखना ना भूलें, ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन राइट। तो अगर आप उसको हाईलाइट करना चाहें तो बेशक करें राइट अगर हाईलाइट करना चाहें तो बेशक करें राइट। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन बच्चों, द डिफरेंशियल इक्वेशन e raised to minus 2 root x upon root x minus y upon root x into dx by dy, पहले सिंप्लीफाई करना है, स्टैंडर्ड LDE के फॉर्मेट में लाना है, तो ऑब्जर्वेशन इज गोइंग टू बी की इन दिस क्वेश्चन। एक बार आपका ये फॉर्मेट में आ गया, उसके बाद स्टैंडर्ड LDE की टेक्निक्स को यूज करके आप इसको इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर ला सकते हो एज y times e raised to 2 root x equal to 2 root x plus c राइट। तो दिस इज द आंसर टू द सेवेंथ क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे सेक्शन बी खत्म होता है।
तो चलिए बच्चों, सेक्शन सी की शुरुआत करते हैं, जिसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चंस हैं टोटल इन सेक्शन सी ऑफ 4 मार्क्स। पहला सवाल जो है उसमें चॉइस है, तो आप यू नो इधर पार्ट ए या पार्ट बी सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 ऑफ दिस पार्ट टेस्ट 2, जो पहला सवाल है सेक्शन सी का, जहां पे हमें पूछा गया है इंटीग्रेट करने रूट ऑफ टेन एक्स, राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है बच्चों, दिख रहा है कि दिखने में छोटा है बट काफी लेंथी है इसकी सॉल्विंग। तो जो भी फंक्शन रूट के अंदर है, राइट, द आइडियल ट्रिक टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स इज सब्स्टिट्यूट द फंक्शन इनसाइड द रूट। जो फंक्शन रूट के अंदर है उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है एज टी स्क्वेयर, क्योंकि जब टेन एक्स को हम टी स्क्वेयर डालेंगे बच्चों, तब रूट ऑफ टी स्क्वेयर टी देगा, राइट। तो ये काफी स्टैंडर्ड सा सब्स्टिट्यूशन है, बट इसको आगे बढ़ाने के लिए डीएक्स का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहां तक पहुंचने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो टैन एक्स का डेरिवेटिव है बच्चों सेक्स स्क्वायर एक्स, तो सेक्स स्क्वायर एक्स ऑन द लेफ्ट इक्वल टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 2t dt/dx, जिससे कि हम ये कह सकते हैं दैट dx is equal to 2t dt upon sec square x। ध्यान से देखिए, हमने बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, sec square x को नीचे लाए हैं और dx को ऊपर लेके गए हैं, क्योंकि हम dx की वैल्यू ढूंढना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ t। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि न्यूमरेटर में तो t है 2t dt, बट डिनोमिनेटर में sec square x है, तो उसको हमें सबसे पहले तो sec square x को लिखना पड़ेगा 1 plus tan square x, और वो चीज लिखने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चा tan x की वैल्यू t square है, तो tan square x की वैल्यू t square the whole square होगी, which is t raised to 4, right? So tan square x की वैल्यू होगी t raised to 4, और इस वजह से dx जो है अपना बन जाएगा 2t dt upon 1 plus t raised to 4। तो ये आपकी dx की वैल्यू आ गई बच्चों, ये आपकी dx की वैल्यू आ गई, राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। Yes, तो अब जो है हम ओरिजिनल इक्वेशन पे फिर से बढ़ेंगे, एंड वी विल रिकॉल इट बाय सेइंग कि पहली बात तो हम बोलेंगे लेट दिस बी इक्वल टू आई एट द स्टार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, और अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट टेन एक्स की जगह हम लिखेंगे रूट ऑफ टी स्क्वेयर, ठीक है, और dx की जगह पे बच्चा हम लिखेंगे 2t dt upon 1 plus t raised to 4। तो पहली बार बच्चों हमारा ओरिजिनल इंटीग्रेशन जो है ऐसे फॉर्म में आया है जिसमें t इज द ओनली वेरिएबल, और कोई वेरिएबल इसमें है नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, राइट, सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू टी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, रूट टी स्क्वायर इज टी इंटू टी इज टी स्क्वायर, सो 2 टी स्क्वायर आपके न्यूमरेटर में है अलॉन्ग विद dt अपॉन 1 प्लस टी रेस टू 4, राइट। अब जर्नी शुरू होती है इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा 2t square को हमें लिखना पड़ेगा एज t square plus t square, और उस t square plus t square को हमें लिखना पड़ेगा एज 1 plus t square, राइट, माइनस ऑफ 1 minus t square। ध्यान से इसको देखिए, 1 plus t square minus 1, ये 1 और माइनस 1 कैंसिल, माइनस ऑफ माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर देगा हमें 2t square। इसका मतलब ये 2t square को हमने ऐसे स्प्लिट किया और उसको हमें अपने एडवांटेज के लिए यूज करना है, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, 2 parts में स्प्लिट होगा, तो एक बार देखते हैं इस तरीके से होगा। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहला पार्ट जो है 1 plus t square upon 1 plus t raised to 4, तो 1 plus t square upon 1 plus t raised to 4 dt, राइट, और दूसरा जो पार्ट है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus t square upon 1 plus t raised to 4 dt। अब ये जो दोनों फंक्शंस हैं उनको इंटीग्रेट करने का प्रोसेस मोर और लेस सिमिलर है, तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो हम टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, ठीक है, दोनों ही फंक्शंस के इंटीग्रेशंस में। तो वो करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा 1 plus t square upon the whole upon 1 plus t raised to 4 the whole upon dt माइनस 1 minus t square the whole upon 1 plus t raised to 4 the whole upon dt। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे भी इंटीग्रल है, हम t square से डिवाइड कर रहे हैं
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों फंक्शंस में। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम आई को लिख सकते हैं एज इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज वन एंड वन अपॉन टी स्क्वायर इज वन अपॉन टी स्क्वायर। तो वन वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये न्यूमरेटर में। क्यों, ये आपको तुरंत पता चल जाएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हो टी रेज टू फोर अपॉन टी स्क्वायर इज टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा जो फंक्शन है वहां पे आएगा माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज माइनस वन, वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन, वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन। क्या मैं इसको थोड़ा सा ये माइनस को अंदर लेके वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन की जगह वन माइनस टी स्क्वायर लिख सकता हूँ, वन माइनस टी स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ पे प्लस करके वन माइनस टी स्क्वायर, वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, द होल डिवाइडेड बाई टी रेस टू फोर अपॉन टी स्क्वायर इज टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी, राइट। अब आपको दिखाई देगा कि दोनों जो फंक्शंस है जो इंटीग्रेट हो रहे हैं काफी सिमिलर हैं, काफी सिमिलैरिटीज हैं उनमें, राइट। बट अब इसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमें नोटिस करना है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि यार ये जो फंक्शन है न्यूमरेटर में जो डीटी के साथ चिपका हुआ है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है बच्चों सब्सटीट्यूशन के प्रॉब्लम्स में, कि डीटी या डीएक्स जो भी डेरिवेटिव वेरिएबल है न्यूमरेटर में उसके साथ जो फंक्शन चिपका हुआ है वो इस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो बेसिकली मैं आपको ये सोचने कह रहा हूं कि 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, अगर आप ध्यान से सोचें तो आपको दिखाई देगा कि 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ टी माइनस 1 अपॉन टी। ध्यान से सोच के देखिए, ध्यान से सोच के देखिए, सिंस टी माइनस 1 अपॉन टी इस चीज का डेरिवेटिव, यस, इस चीज का डेरिवेटिव क्या है, डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस वन अपॉन टी, टी का डेरिवेटिव वन है, माइनस वन अपॉन टी इज माइनस टी रेस टू माइनस वन जिसका डेरिवेटिव माइनस ऑफ माइनस वन टी रेस टू माइनस टू, तो प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर। तो बेसिकली बच्चों टी माइनस वन अपॉन टी ये फंक्शन को अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं तो वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर जो है इनटू डी टी विल बी योर न्यू डेरिवेटिव, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जानना। बट साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करके हमें वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर मिल रहा है, वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर मिल रहा है, ये भी देख लेते हैं, राइट। सो वन तो मिलेगा टी से बहुत इजीली, बट टी प्लस वन अपॉन टी जब आप करोगे तब आपको ये वाला डेरिवेटिव मिलेगा, क्योंकि टी का डेरिवेटिव वन है, वन अपॉन टी का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर आएगा, तो जो यहाँ पे सेकंड फंक्शन में बैठा हुआ है। तो अगर हमें टी माइनस वन अपॉन टी को सब्सटीट्यूट करना है तो डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे टी माइनस वन अपॉन टी आना चाहिए, और उस चीज के लिए हमें माइनस टू और प्लस टू एड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टी स्क्वायर माइनस टू प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर ये जो पहले तीन टर्म्स है ये कंबाइन करके हमें टी माइनस वन अपॉन टी द होल स्क्वायर देंगे। और सेम चीज आपको यहाँ पे भी करना है प्लस टू माइनस टू, क्योंकि हमें टी प्लस वन अपॉन टी चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं दैट देयरफॉर आई इज इक्वल टू, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में देख लीजिए वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी, वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी ये न्यूमरेटर में है, पर डिनोमिनेटर में अगर आप केयरफुली देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टी स्क्वायर प्लस रादर टी स्क्वायर माइनस टू प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, ये पहले जो तीन टर्म्स हैं ये ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए बी या ए स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब ये माइनस टू ए बी में सिर्फ माइनस टू क्यों बचा है, क्योंकि ए टी है और b 1 अपॉन t है, तो वो t इंटू वन अपॉन टी कैंसिल हो रहा है, इसीलिए वो सिर्फ माइनस टू दे रहा है, माइनस टू ए बी जो है माइनस टू इंटू टी इंटू वन अपॉन टी, टी टी कैंसिल, राइट। सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे t माइनस वन अपॉन टी द होल स्क्वायर आएगा, t माइनस वन अपॉन टी द होल स्क्वायर आएगा, और बचा हुआ जो प्लस टू है उसको हमें एज इट इज लिखना है, उसको हमें एज इट इज लिखना है। अब ये हुआ पहला इंटीग्रेशन का सिंप्लीफिकेशन। अब इसके बाद हम लिखेंगे प्लस दूसरा इंटीग्रेशन के लिए, न्यूमरेटर में वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर है डी टी, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा अब ध्यान से देखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और सेम फ्लो से क्योंकि टी प्लस वन अपॉन टी चाहिए, सो टी प्लस वन अपॉन टी द होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट टी स्क्वायर प्लस टू इंटू टी इंटू वन अपॉन टी, सो प्लस टू प्लस वन अपॉन टी द होल स्क्वायर विच इज वन बाई टी स्क्वायर, माइनस टू यहाँ पे बचा हुआ है वो एज इट इज रहेगा, राइट।
अब इस चीज को हमें सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करना है। आइए देखते हैं किस तरीके से। सो सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग यस, यहां पे टी माइनस वन अपॉन टी को हमें एज अ वेरिएबल लेट्स से यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो टी माइनस वन अपॉन टी का डेरिवेटिव जो है न्यूमरेटर में रेडिली हमारे लिए बैठा हुआ है, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूटिंग टी माइनस वन अपॉन टी इज इक्वल टू यू, एंड सिमिलरली टी प्लस वन अपॉन टी को भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो टी प्लस वन अपॉन टी जो है टी प्लस वन अपॉन टी जो है उसको वी ले लेते हैं, राइट। इन दोनों सब्स्टिट्यूशंस को यूज करके हम ये कह सकते हैं कि इस डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, सो वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी, सो दिस इंटू डी टी इज डी यू, राइट। और यहाँ पे वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर इन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, तो डी टी यहाँ पे लिख के इज इक्वल टू डीवी। सो यूजिंग दिस वी कैन से दैट देयर फोर आई द इंटीग्रेशन नाउ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी जो है, वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी जो है अब वो बन गया है डी यू। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन यहाँ पे टी माइनस वन अपॉन टी जो है उसको हमने यू सब्सटीट्यूट किया है, तो यू स्क्वायर प्लस टू आएगा, यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस टू आएगा, तो यू स्क्वायर प्लस टू के जगह पे हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस रूट टू स्क्वायर, राइट। अब ये प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी जो है वो डी वी हो गया है, तो यहाँ पे हम डी वी लिखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टी प्लस वन अपॉन टी जिसको हमने वी ले रखा है, तो वी स्क्वायर माइनस टू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस टू, टू के जगह हम लिखेंगे रूट टू स्क्वायर, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना है जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है, राइट। सो देयर फोर आई विल बी इक्वल टू, राइट। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जो है इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज वन अपॉन ए टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, सो टैन इनवर्स ऑफ यू अपॉन रूट टू, ठीक है। प्लस अब ये जो है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो उसका आंसर इंटीग्रेशन है वन अपॉन टू ए, सो वन अपॉन टू रूट टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए, सो लॉग ऑफ वी माइनस रूट टू अपॉन वी प्लस रूट टू, ये फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। वन अपॉन यहाँ पे रूट नहीं है, याद रखना, अगर रूट होता तो आंसर होता लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बट क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बिना रूट के है, तो उसका आंसर है वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो यहाँ पे ए जो है रूट टू है और एक्स के जगह पे वी है, सो वन अपॉन टू रूट टू लॉग ऑफ वी माइनस रूट टू अपॉन वी प्लस रूट टू। और अब बारी आई फाइनल आंसर लिखने की, जहां पे हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे दो बार, पहले तो यू को हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे वन अपॉन रूट टू टैन इनवर्स ऑफ यू के जगह पे हम लिखेंगे टी माइनस वन अपॉन टी अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन टू रूट टू लॉग ऑफ वी के जगह पे हम लिखेंगे टी प्लस वन अपॉन टी माइनस रूट टू अपॉन टी प्लस वन अपॉन टी प्लस रूट टू, ठीक है। बट यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है, क्योंकि टी जो है वो रूट टेन एक्स है, टी स्क्वायर टेन एक्स है, तो उस हिसाब से हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे काफी चीजें और सिंप्लीफाई हो सकती हैं, बट दैट्स टोटली योर कॉल। अगर आप सिर्फ यहाँ पे अल्टीमेटली टी के जगह पे रूट टेन एक्स लिखो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, एक्सेप्टेबल है वो आंसर। वन अपॉन रूट टू टेन इनवर्स ऑफ टी के जगह पे अब आप रूट टेन एक्स लिख सकते हो, माइनस वन अपॉन रूट टेन एक्स, और जैसा मैंने कहा आप इसको बिल्कुल बेशक सिंप्लीफाई कर सकते हो, टेन एक्स माइनस वन अपॉन रूट टू टेन एक्स वैसे भी लिख के, ठीक है, प्लस वन अपॉन टू रूट टू लॉग ऑफ, राइट, यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस वन आएगा, टी और टी कैंसिल हो जाएगा, तो शायद यहाँ पे वो चीज करना अच्छा है, हेल्पफुल है, टी स्क्वायर प्लस वन मतलब टेन एक्स प्लस वन माइनस रूट टू, टेन एक्स प्लस वन माइनस रूट टू टी मतलब माइनस रूट टू टेन टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन मतलब टेन एक्स प्लस वन, राइट, प्लस रूट टू टेन टी, सो प्लस रूट टू टेन
टेन टी आएगा यहाँ पे, और प्लस सी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लिखना ना भूलना। सो यस, जैसा हमने शुरू में भी कहा था, लेंदी क्वेश्चन, बट यहाँ पे द होल आइडिया इज कि रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको टी स्क्वायर ले लो, ताकि रूट ऑफ टी स्क्वायर टी बन जाए, और अकॉर्डिंगली अपना पूरा प्रॉब्लम उसके अराउंड बिल्डअप करो। तो जैसा कहा था बच्चों कि एट्थ क्वेश्चन का एक और पार्ट भी है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। काफी सिमिलर टाइप का इंटीग्रेशन है, अगर आप नोटिस करोगे तो रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स को इंटीग्रेट करना है। सो ऑफकोर्स वी स्टार्ट विद लेट दिस इज इक्वल टू आई, लेट दिस इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखो आई इज इक्वल टू, कोई भी सब्सटीट्यूशन करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स को पहले लिखते हैं एज वन अपॉन कॉट एक्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा रूट ऑफ वन अपॉन कॉट एक्स, सो रूट वन इज वन, सो वन अपॉन रूट कॉट एक्स, या वन अपॉन रूट कॉट एक्स प्लस रूट कॉट एक्स, ठीक है, डीएक्स। यस, जिसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं एज दिस इनटू दिस विल गिव यू कॉट एक्स प्लस वन, ठीक है, कॉट एक्स प्लस वन अपॉन रूट कॉट एक्स अपॉन रूट कॉट एक्स, जो ऊपर जाके क्योंकि cot x अगेन इज 1 अपॉन tan x, तो ऊपर जाके वो रूट tan x बन जाएगा, ऊपर जाके रूट tan x बन जाएगा। तो ये अपना ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम जो है वापस से cot x को 1 अपॉन tan x लिख सकते हैं, वापस से cot x को 1 अपॉन tan x लिख सकते हैं, या फिर शुरुआत से आप cot x को 1 अपॉन tan x लिख सकते हो। और एक सिमिलर सी चीज आएगी, cot x को अगर यहाँ पे आप 1 अपॉन tan x लिखोगे तो 1 प्लस tan x अपॉन tan x, यस, इनटू रूट टेन एक्स डीएक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको सेम प्रोसेस करना है बच्चों, यहाँ पे आपको सेम प्रोसेस करना है, टेन एक्स को टी स्क्वायर डालना है, टेन एक्स को टी स्क्वायर डालना है, राइट, और सेम फ्लो से डिफरेंशिएट करना है। तो सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी बाई डी एक्स, टू टी डी टी बाई डी एक्स, जिससे कि आप ये कह सकते हो कि डीएक्स जो है, राइट, डीएक्स जो है टू टी डी टी अपॉन sec square x माने 1 plus tan square x माने 1 plus t raise to 4। तो ये आप dx के जगह लिख सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली आप tan x के जगह पे t के वैल्यूज अकॉर्डिंगली सब्सटीट्यूट कर सकते हो। आइए देखते हैं किस तरीके से, राइट। सो यहाँ पे therefore I is going to be equal to, ध्यान से देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus tan x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus tan x। अब tan x जो है बच्चों, tan x जो है वो t square लिया गया है, तो 1 plus tan x के जगह 1 plus t square आएगा, अपॉन tan x मतलब अपॉन t square, into root of tan x मतलब into t, और dx के जगह हम लिखेंगे 2t dt upon 1 plus t raise to 4, right? dx के जगह हम लिखेंगे 2t dt upon 1 plus t raise to 4, right? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू, राइट, यहाँ पे t into t is t square, जो ये t square इस t square के साथ कट जाएगा। सो वॉट वी हैव इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स 1 प्लस t square dt upon 1 plus t raise to 4 upon 1 plus t raise to 4, और इस स्टेज पे बच्चों आप t square से डिवाइड कर सकते हो। अब ये प्रॉब्लम काफी सिमिलर लगेगा जो पिछला पार्ट हमने किया था उससे। सो टू टाइम्स t square से जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे बच्चों, हमें मिलेगा 1 plus 1 upon t square न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा t square plus 1 upon t square, ठीक है, t square plus 1 upon t square, right? और यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं, पूछेंगे ये सवाल कि भाई ये जो 1 plus t square है, ये किस चीज का डेरिवेटिव है? We know that d by dt of what is 1 plus 1 upon t square? We know that 1 t का डेरिवेटिव है, और 1 upon t square minus 1 upon t का डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब हमें सब्स्टिट्यूट करना है पुट t minus 1 upon t as some variable u, therefore 1 plus 1 upon t square is du by dt, so 1 plus 1 upon t square dt is du, तो ये जो numerator में यहाँ पे 1 plus 1 upon t square dt है वो du है, और t minus 1 upon t हमने u ले रखा है, तो उसको हमें involve करना है, और वो involve करने के लिए हमें जो है यहाँ पे t square plus 1 upon t square में minus 2 plus 2 जोड़ना पड़ेगा, ताकि ये जो पहले तीन टर्म्स हैं a square minus 2ab plus b square, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी एक पार्ट में डिस्कस किया था, ये तीनों टर्म्स मिलके t minus 1 upon t माने u square देंगे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। therefore i is equal to 2 टाइम्स, अब ये 2 जो है कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर रख सकता हूँ, 1 plus 1 upon t square dt बन जाएगा du,
अपॉन डिनोमिनेटर में ये तीन टर्म्स मिलके टी माइनस वन अपॉन टी द होल स्क्वायर देंगे, राइट। टी माइनस वन अपॉन टी द होल स्क्वायर, सो यू स्क्वायर लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली प्लस टू, और वो प्लस टू को हम प्लस रूट टू दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन काफी सरल है बच्चों, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज वन अपॉन ए, सो वन अपॉन रूट टू, राइट, टैन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, सो टैन इनवर्स ऑफ u अपॉन रूट टू। अब बारी आती है रीसब्स्टिट्यूशन की, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना ना भूले, राइट। सो दिस इज रूट टू, टू अपॉन रूट टू इज सिंपली रूट टू, टैन इनवर्स ऑफ u अपॉन रूट टू, तो u की वैल्यू है t माइनस वन अपॉन टी, या टैन इनवर्स ऑफ t माइनस वन अपॉन टी अपॉन रूट टू प्लस सी, ठीक है। अब t को हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे एज रूट टैन x, t को हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे एज रूट टैन x, तो आपका फाइनल आंसर आएगा देयरफॉर i इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स टैन इनवर्स ऑफ t को हम लिखेंगे रूट टैन x माइनस वन अपॉन रूट टैन x अपॉन रूट टू, सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको आप चाहिए तो, बट ये टोटली एक्सेप्टेबल आंसर है, राइट। सो ये और पार्ट था रूट टैन x प्लस रूट कॉट x, मोर और लेस सिमिलर थॉट प्रोसेस था, है ना, बट उसको सिंप्लीफाई किया पहले हमने। सो होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन बच्चों। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन ऑफ द पेपर, सेकंड क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी, जो एरिया का सवाल है। और एरिया के सवाल में जैसे आप जानते हो हमेशा डायग्राम की होता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द टू सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एंड एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, राइट। सो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करने से पहले जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को समझ लेते हैं, रादर इक्वेशन ऑफ सर्कल को समझ लेते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म, राइट, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म इज एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये चीज पता चलने के बाद हम ये कह सकते हैं कि x square plus y square equal to 4, ये जो सर्कल है इसका सेंटर इज 0, 0, राइट, सेंटर इज 0, 0 एंड रेडियस इज 2। ध्यान से देखिए, r स्क्वायर इज 4, सो r की वैल्यू हो जाती है 2, x माइनस h की जगह x ही है सो h की वैल्यू 0 है, y माइनस k की जगह y ही है तो k की वैल्यू 0 है। अब सिमिलरली जो दूसरा सर्कल का इक्वेशन है x माइनस टू दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, उसका भी सेंटर हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, सेंटर इज 2, 0 बच्चों एंड रेडियस का वैल्यू इज 2। तो जब हमें क्लियरली पता चल चुका है कि यू नो सेंटर और रेडियस क्या है, तो क्यों ना हम डायग्राम निकाले और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये आपका y एक्सिस है बच्चों, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, यस, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। तो यहाँ पे हम इन दोनों सर्कल्स को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ग्रीन सर्कल जो है बच्चों यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ग्रीन सर्कल जो है उसका सेंटर 0, 0 है, जैसे आप देख पा रहे हो सेंटर जो है वो 0, 0 है। मैं सेम कलर में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, यस। तो ये ग्रीन सर्कल हो गया, उसका सेंटर जो है वो है 0, 0 क्लियरली, यस, ओरिजिन, और रेडियस 2 है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है बच्चों ये 2, 0 होने वाला है, ठीक है, और ये पॉइंट 0, 2 होने वाला है। इसी तरीके से हम बाकी के कोऑर्डिनेट्स भी ढूंढ सकते हैं, बट उससे पहले जो दूसरा सर्कल है हमारा उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, उसका सेंटर इज 2, 0, तो ये पॉइंट उसका सेंटर हो गया और रेडियस 2 है, तो मतलब ये पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा, ठीक है, तो उस सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, यस, और उस सर्कल को थोड़ा सा मूव करते हैं, ठीक है, सही पोजीशन पे मूव करेंगे, ओके, राइट। तो ये सर्कल जो है इसको हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं, हम जानते हैं कि इस ब्लू सर्कल का जो सेंटर है वो 2, 0 है और रेडियस जो है 2 है, तो 0, 0 से वो पास करेगा। अब सवाल पे आते हैं, सवाल ये पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द टू सर्कल्स, तो इसका मतलब हमें ये पूरा एरिया चाहिए, तो कैन वी से दैट
कैन वी से दैट द एरिया ऑफ द एंक्लोज्ड रीजन, ध्यान से देखिएगा बच्चों, एरिया enclosed between the two circles, yes, area enclosed between two circles is equal to, जो ये area हमें चाहिए बच्चों, ये पूरा ये है, पूरा ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट मिला के, बट क्या हम ये बोल सकते हैं that area enclosed between the two circles is two times the shaded area, सोच के देखिए बच्चों, जो area shade किया है वो इंटीग्रेशन से ढूंढना रिलेटिवली आसान है, और उसको फाइंड आउट करके, ये शेडेड एरिया को फाइंड आउट करके अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमें ये पूरा एरिया नहीं मिलेगा। और अगर ये आइडिया क्लियर है बच्चों, तो आप इसके बाद डायरेक्टली इस एरिया को ढूंढने के पीछे अपनी एनर्जी लगा सकते हो। तो आइए इस शेडेड एरिया को ढूंढते हैं, क्योंकि ये काफी सिमेट्रिकल है, तो ये जो वैल्यू होगा एरिया का वही वैल्यू इस रीजन का भी होगा, इंटू टू कर लीजिए, इन दोनों सर्कल्स के बीच में जो इंक्लोज रीजन है वो आपको मिल जाएगा। तो आइए अब शेडेड एरिया किस तरीके से ढूंढेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप लगाएंगे या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाएंगे वो देखते हैं। दोनों ही लगा सकते हो, दोनों ही आपको आंसर्स देंगे, बट अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप लगाओगे बच्चों तो आपको जो है दो रीजन्स में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आइए वो करते हैं, और वो करने के लिए आपको ये पॉइंट लाना बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट लाने के लिए, इंटरसेक्शन पॉइंट लाने के लिए आपको ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, और वो दोनों इक्वेशंस बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं बच्चों। एक्स स्क्वायर इज 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, एंड 4 माइनस वाई स्क्वायर फ्रॉम दिस इक्वेशन इज एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर, राइट। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपको दिखाई देगा कि देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स व्हिच सैटिस्फाइज दिस, एंड दैट इज एक्स इक्वल टू 1। एक्स को जब आप 1 डालोगे सिर्फ और सिर्फ तभी, एक्सपांड करके भी आपको आ जाएगा, राइट हैंड साइड एक्सपांड करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4x इज 4 एंड एक्स इज 1। तो बेसिकली एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये पॉइंट जो है 1 कॉमा, अगर मैं 1 डालूंगा यहाँ पे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इज 4, 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4, सो वाई स्क्वायर इज 3 एंड वाई इज हेंस प्लस और माइनस रूट 3। फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है तो 1 कॉमा रूट 3, ऑल्दो रूट 3 इंपॉर्टेंट नहीं है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिंग्स, बट कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब हमें ये एरिया ढूंढने के लिए दो पार्ट्स में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहले तो हमें यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लगानी पड़ेगी, और फिर यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लगानी पड़ेगी इन बिटवीन दीज टू थिंग्स, राइट। तो बेसिकली हमें इंटीग्रेट किस तरीके से करना है, हमें ये एरिया लाने के लिए, टोटल एरिया लाने के लिए सबसे पहले बाहर तो 2 है, एक काम करते हैं, शेडेड एरिया पहले ढूंढ लेते हैं, ठीक है, शेडेड एरिया पहले ढूंढ लेते हैं, फिर तो उसको बस 2 से मल्टीप्लाई करना है, और enclosed between the two circles वाला एरिया जो हमें फाइनली चाहिए वो हम ला सकते हैं। तो शेडेड एरिया पहले ढूंढते हैं, हमें इंटीग्रेट करना है 0 से 1 इंटीग्रेट करना है द ब्लू सर्कल, ठीक है, तो हम उसको ब्लू में ही लिखते हैं, 0 से 1 इंटीग्रेट करना है हमें, 0 से 1 इंटीग्रेट करना है ब्लू सर्कल। तो ये ब्लू सर्कल का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ब्लू सर्कल का वाई क्या है, ब्लू सर्कल का जो वाई है बच्चों वो है 4 माइनस एक्स माइनस टू दी होल स्क्वायर, 4 माइनस एक्स माइनस टू दी होल स्क्वायर, दी होल चीज का अंडर रूट, द होल चीज का अंडर रूट, ये समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज जब आप y की बात कर रहे हो, y इज 4 माइनस एक्स माइनस टू दी होल स्क्वायर, बट दैट्स y स्क्वायर, तो y विल बी प्लस माइनस रूट ऑफ दैट, बट सिंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्लस ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका ब्लू पार्ट हो गया। अब ये वाला जो रीजन है, ये दूसरा वाला रीजन, ये वाला रीजन ग्रीन सर्कल को यूज करके आएगा, ग्रीन सर्कल को यूज करके आएगा, सो 1 से 2 हमें इंटीग्रेट करना है, 1 से 2 हमें इंटीग्रेट करना है ग्रीन सर्कल को, ग्रीन सर्कल का वाई क्या है बच्चों, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज वाई स्क्वायर, सो वाई इज रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें बहुत प्यारी तरीके से इंटीग्रेट हो सकती हैं, थोड़ी लेंदी होंगी क्योंकि ये फॉर्मूलाज जो हैं बड़े वाले फॉर्मूलाज हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूलाज हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला को, राइट। सिंस रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू एक्स बाय टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या ये फॉर्मूला याद रखने के टेक्निक्स हैं बच्चों, एक्स बाय टू इंटू द सेम फंक्शन, राइट, यहाँ पे प्लस आएगा ए स्क्वायर बाय टू। अब रूट ऑफ ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर जो 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन जो है साइन इनवर्स एक्स बाय ए है, तो वो ही यहाँ पे चिपका दो,
ठीक है, ए स्क्वायर बाय टू लिख के वो चिपका दो। तो ये आपका फॉर्मूला है बच्चों, जो दोनों जगहों पर लगने वाला है, जो दोनों जगहों पर लगने वाला है। तो देयरफॉर कैन वी से, देयरफॉर द शेडेड एरिया इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ठीक है, ये जो ब्लू वाली चीज है इसको इंटीग्रेट करते हैं पहले। तो ए की वैल्यू जो है टू है, क्योंकि 4 is 2 square, तो ए की वैल्यू टू है बच्चों। एक्स के जगह पे एक्स माइनस टू है, तो एक्स के जगह पे एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस टू अपॉन टू, एक्स माइनस टू अपॉन टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जो अंदर है उसको वैसे का वैसा लिख दो। सो रूट ऑफ 4 - x - 2 दी होल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक्सपांड वगैरह क्यों नहीं कर, क्यों क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनी वेज लिमिट्स लगने वाले हैं जहां पे ये चीजें सिंप्लीफाई हो सकती हैं, ठीक है। तो प्लस ए स्क्वायर बाय टू, सो 4 by 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, तो एक्स का वैल्यू है एक्स माइनस टू अपॉन ए का वैल्यू है टू। तो ये पहला इंटीग्रल है बच्चों, तो ये केवल और केवल पहला इंटीग्रल है जो 0 से 1 हम लिमिट लगाने वाले हैं, ठीक है। प्लस दूसरे इंटीग्रल पे आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस रूट ऑफ 4 - x², जहां पे वापस ए की वैल्यू 2 है, राइट। तो ये क्या आने वाला है, एक्स बाय टू, तो एक्स बाय टू इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सेम फंक्शन एज इट इज, राइट, ये वाला फंक्शन एज इट इज, प्लस ए स्क्वायर बाय टू, सो प्लस 4 by 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, सो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय टू, ठीक है। और ये जो लिमिट्स हैं इसके 1 और 2 हैं। तो अब बारी आती है सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज करने की इस प्रॉब्लम में, लिमिट्स को अप्लाई करना। तो अपर लिमिट लगाते हैं, 1 - 2 / 2 इज -1/2, ठीक है, -1/2। यहाँ पे अगर हम 1 लगाएंगे तो 1 - 2 इज -1, द होल स्क्वायर इज 1, 4 - 1 इज 3, सो √3 आएगा, -1 √3 -√3/2 आएगा, -√3/2 आएगा पहला वाला पार्ट, ठीक है। सो देयरफॉर शेडेड एरिया इज इक्वल टू -√3/2। एक बार फिर देख लेते हैं, 1 को जब मैं डालूंगा यहाँ पे, 1 - 2 इज -1/2, ठीक है, -1/2, यहाँ पे 1 डालूंगा, 1 - 2 इज -1, द होल स्क्वायर इज 1, 4 - 1 इज 3, √3 आएगा, -√3/2, -√3/2। अब यहाँ पे जब मैं 1 डालूंगा, 1 - 2 इज -1, -1/2, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 क्या है बच्चों, -30 degrees, मतलब -π/6, तो +2 times π/6, तो +2 times π/6 सिंप्लीफाई करके π/3 दे देगा आपको। तो ये आपका अपर लिमिट है फॉर द फर्स्ट फंक्शन। अब लोअर लिमिट निकालते हैं x को 0 डाल के, तो 0 - 2 इज -2/2 इज -1, यहाँ पे डालेंगे तो 0 - 2 इज -2, द होल स्क्वायर इज 4, 4 - 4 इज 0, √0 इज 0, तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस 0। यहाँ पे देखते हैं, 0 - 2 इज -2/2 -1, एंड साइन इनवर्स ऑफ -1 बच्चा इज 90 degrees, और साइन इनवर्स ऑफ -1 इज -90 और -π/2, तो 4/2 इज 2, 2 times -π/2 इज -π, तो ये वाला जो चीज है -π देगा, ये 0 देगा। लोअर लिमिट लगाने से पहले आप एनीवेज माइनस लगाते हो, तो 0 - π आएगा, 0 - π। तो ये आपका अपर लिमिट, ये आपका लोअर लिमिट फॉर द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं, 0 डालेंगे यहाँ पे, 0 - 2 इज -2, द होल स्क्वायर इज 4, 4 - 4 इज 0, तो ये टर्म वैनिश हो गया। यहाँ पे 0 डालेंगे तो -1, साइन इनवर्स ऑफ -1 इज -π/2 इंटू 2 इज -π, बट ये लोअर लिमिट में है तो बाहर माइनस साइन आएगा, -0 - π। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन करने के लिए यहाँ पे पहले तो प्लस डालते हैं और फिर अपर लिमिट, 2 डालेंगे हम, 2/2 इज 1, बट 4 - 2² इज 4 - 4 0, तो ये निकल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, 2/2 इज 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 इज 90, π/2, 2 into π/2 इज π, तो यहाँ पे हम पाई लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे पाई लिखेंगे, 0 + π लिखना ज्यादा सही होता, ठीक है, 0 + π। ये अपर लिमिट हुआ। अब हम लोअर लिमिट की बात करते हैं, 1 डालेंगे तब क्या होगा, सो ½ into √3 इज √3/2, तो उसको मैं लिख लेता हूँ एज इट इज। अब यहाँ पे 1 डालेंगे, साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज 30 degrees, माने π/6, 2 into π/6 इज π/3, सो +π/3। तो ये आया अपना पूरा शेडेड एरिया, जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं। शेडेड एरिया इज गोइंग टू बी इक्वल टू, राइट, यहाँ पे देखेंगे, -√3/2 +π/3, माइनस ऑफ माइनस पाए इज +π, +π और एक -√3/2 और -π/3। अब इसमें से बस एक -π/3 जो है वो कैंसल हो रहा है, π/3 - π/3 कैंसल हो रहा है, और शेडेड एरिया जो है वो सिंप्लीफाई होके हमें दे रहा है 2π - √3।
या माइनस रूट थ्री बाई टू प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू इज माइनस टू टाइम्स रूट थ्री बाई टू, सो माइनस रूट थ्री बाई टू, तो ये आपका शेडेड एरिया आया। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, फाइनल आंसर एरिया इंक्लोज्ड इज टू टाइम्स दिस। हमने ये पहले ही स्टार्टिंग में कह दिया था कि यार जो एरिया इंक्लोज्ड है बिटवीन द टू सर्कल्स इज नथिंग बट टू टाइम्स द शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया हमने निकाल लिया है बच्चों, शेडेड एरिया हमने निकाल लिया है, तो ऑल वी हैव टू डू इज टू टाइम्स टू पाई माइनस रूट थ्री। यस, टू टाइम्स टू पाई माइनस रूट थ्री, तो फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, फाइनल आंसर आएगा फोर पाए माइनस टू रूट थ्री, राइट, फोर पाए माइनस टू रूट थ्री, करेक्ट। तो ये आंसर है बच्चों, स्क्वायर यूनिट्स लिखना ना भूले क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं, राइट। आप इसको ऐसे ये भी कर सकते हो, हाईलाइट भी कर सकते हो। सो अच्छा क्वेश्चन, फोर मार्क का क्वेश्चन, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट एज यूजुअल एरिया के सवालों में। तो आइए चलिए बढ़ते हैं आखिरी सवाल पे ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट टेस्ट, पार्ट टेस्ट टू, टेंथ क्वेश्चन ऑफ द पेपर एंड थर्ड क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी, जहां पे हमें मॉड्यूलस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। इसी पार्ट टेस्ट में एक और मॉड्यूलस का क्वेश्चन था, ये उससे भी थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है, बट डेफिनेटली डील कर सकते हो विथ द बेसिक आइडिया, विथ द बेसिक आइडिया कि मॉड के अंदर अगर मान लो एक फंक्शन है, मॉड के अंदर मान लो अगर एक फंक्शन है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये चीज बन जाएगी, ये चीज बन जाएगी एफ ऑफ एक्स एज इट इज। तो मॉड के अंदर अगर एक पॉजिटिव वैल्यू है, मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड कुछ नहीं करेगा। मॉड के अंदर अगर एक पॉजिटिव वैल्यू है या जीरो वैल्यू है तो मॉड कुछ नहीं करेगा, उसको एज इट इज लिख देगा, एज इट इज लिख देगा। बट अगर मॉड के अंदर, अगर मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, तो व्हेन एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव, ठीक है, तब मॉड जो है, मॉड जो है माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स देगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स देगा। तो अंदर जो नेगेटिव चीज है उसके ऊपर एक नेगेटिव लगा दो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये नेगेटिव लगा रहा है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी नेगेटिव है, एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस ऑफ माइनस विल मेक इट प्लस, मॉड एग्जैक्टली वही करता है। तो अगर ये चीज आप फॉलो करोगे तो आप ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं, लेट दिस बी इक्वल टू आई, ठीक है, लेट दिस बी इक्वल टू आई, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, पहले तो हम तीनों फंक्शंस को तोड़ेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम टू से फाइव, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम टू से फाइव मॉड ऑफ एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम टू से फाइव mod of x minus 3 dx plus integration from 2 से 5 mod of x minus 5 dx। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ध्यान से सोच के देखते हैं, right? When x is between 2 and 5, जो सबसे पहले इंटीग्रल में हो रहा है, when x is between, वो तीनों इंटीग्रल में हो रहा है actually, we can say that x माइनस टू इज नेगेटिव। सोच के देखिए, सोच के देखिए, जब x 2 और 5 के बीच में हो, अगर नहीं डायरेक्टली क्लिक हो रहा तो कोई भी एक नंबर ले लीजिए 2 और 5 के बीच में, मान लीजिए 3, मान लीजिए 3.5, 4, 2.5, 4.2, दैट नंबर माइनस 2, दैट नंबर माइनस 2 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसी ये नंबर्स लेके देखो, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, 2 से 5 के बीच में कोई भी नंबर लो, x माइनस 2 हमेशा पॉजिटिव आएगा। और ये चीज देखने के लिए आप लोग एक नंबर लाइन भी यूज कर सकते हो बच्चों, आप लोग एक नंबर लाइन भी यूज कर सकते हो, जिससे कि और ज्यादा आसानी होगी चीजें समझने में, राइट, चीजें समझने में और ज्यादा आसानी होगी। तो इसको मैं यहाँ पे नीचे बना रहा हूं, राइट, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि यार ये जो है जीरो है नंबर लाइन पे, ये वन है, इनफैक्ट वन लिखने की जरूरत नहीं है, टू लिखेंगे, थ्री लिखेंगे जो भी रेलेवेंट नंबर्स हैं, और फाइव लिखेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं टू और फाइव के बीच में, ये रीजन में एक्स माइनस टू, तो एनी नंबर हियर माइनस टू इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, राइट, एक्स माइनस टू इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, राइट। जब हम बात करेंगे एक्स माइनस थ्री की, तब थोड़ा सा दिक्कत आएगा, बट हम x माइनस फाइव की बात जरूर कर सकते हैं, x माइनस फाइव इज ऑलवेज नेगेटिव, x माइनस फाइव इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट। सोच के देखिए, कोई भी नंबर टू से फाइव के बीच में लीजिए, थ्री, फोर, थ्री एंड हाफ, 4.5, दैट माइनस फाइव विल ऑलवेज कम नेगेटिव। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि ये जो एफ एक्स है, यहाँ पे x माइनस टू हमेशा पॉजिटिव है, ये इंटरवल में जहां हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो अगर हमेशा पॉजिटिव है तो mod of f of x will be simply f of x, इसका मतलब mod of x minus 2 will be simply x minus 2। तो ये चीज इंटीग्रेट करना पीस ऑफ केक हो गया, बहुत इजी हो गया।
अब हमें ये भी पता है कि x माइनस फाइव नेगेटिव है, तो अगर मॉड के अंदर वाली चीज नेगेटिव हुई तो वो मॉड निकाल के हम माइनस एफ ऑफ एक्स कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम माइनस ऑफ एक्स माइनस फाइव कर सकते हैं विच इज फाइव माइनस एक्स, जिसको इंटीग्रेट करना फिर से आसान हो गया। तो पहला और तीसरा इंटीग्रेशन बहुत आसान है करना, बहुत आसान है। अब जो बीच वाला चीज है ठीक है, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थ्री है तो ये रीजन को अलग से और ये रीजन को अलग से डील करने की कोशिश करते हैं। सो व्हेन एक्स इज बिटवीन टू एंड थ्री, ठीक है, व्हेन एक्स इज बिटवीन टू एंड थ्री, एक्स माइनस थ्री इज पॉजिटिव, एक्स माइनस थ्री इज नेगेटिव। सोच के देखिए, जब एक्स टू और थ्री के बीच में है, 2.2, 2.5, 2.7, दैट माइनस थ्री इज नेगेटिव, राइट? नंबर्स लेके देख लीजिए, हमेशा हेल्प करता है बच्चों। एंड व्हेन एक्स इज बिटवीन थ्री एंड फाइव, ये दूसरा वाला इंटरवल 3.5, 4, 4.5, दैट माइनस थ्री इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, दैट माइनस थ्री इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो अभी हमें पूरा रीजन में ये समझ गया है कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव है, तो ये चीज निकालना अब जो है रिलेटिवली ज्यादा आसान हो गया है। तो देयरफॉर नाउ आई कैन से दैट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहला जो फंक्शन है वो था मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, और हमने कहा कि यार मॉड ऑफ एक्स माइनस टू हमेशा पॉजिटिव है ये इंटरवल में, और पॉजिटिव के लिए क्या होता है, वैसे का वैसा रह जाता है फंक्शन, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू के जगह रहेगा एक्स माइनस टू डी एक्स, और इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है टू से फाइव के बीच में, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे बच्चों एक्स माइनस थ्री के लिए, अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, टू से फाइव इंटीग्रेट करने के जगह हम उसको तोड़ेंगे पहले तो टू से थ्री, तो आप वो प्रॉपर्टी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू बी, आप डेफिनेटली लिखो वो प्रॉपर्टी, राइट? सो इंटीग्रेशन फ्रॉम टू टू थ्री मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री डी एक्स, यहाँ पे मॉड अभी तक हमने छोड़ा नहीं है, प्लस 3 से 5 mod of x minus 3 dx, ठीक है? तो using the property integration from a से b f of x dx is equal to integration from a से c f of x dx plus integration from c से b f of x dx, correct? तो यूजिंग दिस, अब तीसरा वाला चीज रह गया है, तीसरा इंटीग्रेशन, तो उसको लिख लेते हैं, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम टू से फाइव मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव, जो है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स बिकम्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है तो, और एक्स माइनस फाइव नेगेटिव है, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव जो है फाइव माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस फाइव विच इज फाइव माइनस एक्स, उसको इंटीग्रेट करना है आसान। तो अब जो है हम इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं, पहला वाला पार्ट का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस टू एक्स, ठीक है, यहाँ पे हम लिमिट्स लगाएंगे टू से फाइव, यस। जो अभी दूसरा वाला इंटीग्रेशन का पार्ट है उसको व्हाइट में लिख रहे हैं हम लोग अभी, क्योंकि यहाँ पे अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ है, एक्स माइनस थ्री जो है टू से थ्री के बीच में एक्स माइनस थ्री जो है वो नेगेटिव है, तो ये जो एक्स माइनस थ्री है वो बन जाएगा थ्री माइनस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ थ्री माइनस एक्स डी एक्स, जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे 2 से 3 के बीच में बच्चों। और ये वाला जो चीज है x माइनस 3, 3 से 5 के बीच में पॉजिटिव है, तो इंटीग्रेशन 3 से 5 x माइनस 3 dx, ठीक है। और आखिरी वाला जो चीज है इंटीग्रेशन, उसको कंटिन्यू करते हैं, प्लस 5 का इंटीग्रेशन 5x आएगा, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, लिमिट्स लगाएं बराबर से 2 से 5, राइट? तो ये जो येलो में लिखे हुए हैं उनको फटाफट अब हम अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल के सॉल्व भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो 5 square upon 2 is 25 by 2 minus 10, 25 by 2 minus 10, ये आपका अपर लिमिट है, ठीक है। लोअर लिमिट क्या है देखते हैं, 2 को डालेंगे, 2 square is 4 upon 2 is 2, 2 minus 4 नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये आपका लोअर लिमिट है, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं वाइट चीजों पे, जो बीच वाला इंटीग्रेशन है इसको अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, 3 का इंटीग्रेशन 3x है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 है, लिमिट्स बराबर से लगाना है, 2 से 3 जा रहे हैं हम यहाँ पे, 2 से 3 जा रहे हैं बच्चों, अब 3 से 5 जा रहे हैं x माइनस 3 पे, सो x माइनस 3 का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x, हम 3 से 5 जा रहे हैं, ठीक है। और आखिरी में जो तीसरा वाला इंटीग्रेशन है, यहाँ पे अपर लिमिट हम देखेंगे 25 माइनस 25 बाय 2, राइट, माइनस लोअर लिमिट 10 माइनस 2 आएगा, राइट, क्लियर, यस। अब यहां से सिंप्लीफिकेशन फर्दर हो सकता है,
देयरफॉर आई इज इक्वल टू ये जो 25/2 है और ये जो 25/2 है वो कैंसिल होते हुए दिख रहा है, ठीक है। बाकी की चीजें सिंप्लीफाई करते हैं, ये -2 है, माइनस ऑफ -2 इज +2, 2 - 10 इज -8, ठीक है, -8। अब ये व्हाइट वाली जो चीज है उसको कंटिन्यू करते हैं व्हाइट में ही, राइट, और लिमिट्स को अप्लाई करते हैं। 3 3 9, 9 - 9/2, 9 - 9/2 ये आपका अपर लिमिट है पहले चीज का, माइनस 3 × 2 = 6, 6 × 6 - 4/2, 6 - 2, ठीक है। यस, तो ये आपका लोअर लिमिट आ गया बच्चों पहले फंक्शन का। अब दूसरे फंक्शन का व्हाइट में जो है उसका अपर लिमिट 5² / 2 इज 25/2, ठीक है, -3 × 5 - 15, ये आपका अपर लिमिट हो गया। और लोअर लिमिट 3 डालने के बाद आएगा 9/2 - 9, तो ये आपका बीच वाला फंक्शन हो गया। और जो तीसरा फंक्शन है यहाँ पे 8 25 - 8 जो है, 25 - 8 जो है उसको हम 17 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आखिरी में आई की वैल्यू आएगी, आखिरी में आई की वैल्यू आएगी -8 + 17, ये जो है बच्चों आपको 9 देगा। यहाँ पे 9 9/2 आएगा ये दोनों का, -4 आएगा, यहाँ पे आएगा -5/2, -5/2 यहाँ पे आएगा, -9/2 +9/2 आ जाएगा, राइट। और देयरफॉर सिंप्लीफाई करके 9/2 + 9/2 9 देगा, 9 + 9 = 18 देगा, 18 - 4 = 14 आएगा, और 14 - 5/2 जो है बच्चों 23/2 आएगा। एंड हेंस द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 23/2 मॉड। स्क्वायर यूनिट्स लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि एरिया ढूंढने नहीं बोला है, तो 23/2 इज द फाइनल आंसर टू दिस पर्टिकुलर मॉड क्वेश्चन। तो यस बच्चों, यहीं पे खत्म होता है पार्ट टेस्ट 2। होपफुली आपको मजा आया होगा, होपफुली आपने काफी सारी चीजें सीखी होंगी, किस तरीके से सेक्शन 1 के क्वेश्चन, सेक्शन 2 के क्वेश्चन, सेक्शन 3 के क्वेश्चन, एबीसी सेक्शंस को कैसे डील करना है आपने देखा होगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन पार्ट टेस्ट 2। मिलते हैं पार्ट टेस्ट 3 में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।